नोएडा का वे ट्विन टावर पलक झपकते ही जमींदोज हो गया। उस जगह अब सिर्फ 80,000 टन मलबा बचा है। इस मलबे की ऊंचाई ही 6 मंजिला इमारत के बराबर है। आज हम आपको दुनिया की कुछ ऐसी ही गगनचुंबी इमारतों के बारे में बताएंगे जो चंद लम्हों में ही धाराशाही कर दी गई, और आसमान को छूने वाली इमारतें कुछ सेकंड में ही मलबे में तब्दील हो गई। 1960 के दशक में न्यूयॉर्क स्थित सिंगर बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया था। उस समय न्यूयॉर्क की सबसे ऊंची इमारतों में से एक थी। इमारत के मलबे को साफ करने में ही करीब 1 साल का समय लगा था। न्यूयॉर्क स्थित 52 मंजिला 270 पार्क एवेन्यू बिल्डिंग, इसे 2021 में ध्वस्त कर दिया गया था। इसे एक नई बिल्डिंग को रास्ता देने के लिए गिराया गया जो 270 पार्क एवेन्यू से करीब 2 गुना ऊंची है। सिंगापुर की CPF बिल्डिंग को 2017 में गिराया गया। 46 मंजिला और 171 मीटर ऊंची इस इमारत का निर्माण 1976 में किया गया था। 29 मंजिला ऑफिस टावर को रास्ता देने के लिए इसे जमींदोज किया गया। 38 मंजिला और 165 मीटर ऊंचा सिंगापुर का फूजी जेरोक्स टावर 1987 में बनकर तैयार हुआ, लेकिन साल 2022 में इसे ध्वस्त किए जाने का काम शुरू कर दिया गया है। अबू धाबी में 4 टावर और 144 मंजिल ऊंचे मीना प्लाजा को 2020 में केवल 10 सेकंड में ध्वस्त कर दिया गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक विस्फोटकों से गिराई गई ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी। शिकागो के मॉरिसन होटल को 1965 में चेस टावर के लिए जगह बनाने के लिए गिराया गया था। 45 मंजिला ये इमारत उस समय ढाई जाने वाली दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से एक थी। न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर साइट के सामने डॉयचे बैंक की इमारत को 2007 से 2011 के बीच ध्वस्त कर दिया गया था। दरअसल 9/11 के हमलों में इस बिल्डिंग को काफी नुकसान पहुंचा था। 1974 में तैयार हुई ये बिल्डिंग 158 मीटर ऊंची थी। सिंगापुर की 40 मंजिला गगनचुंबी इमारत UIC बिल्डिंग को 2013 में ध्वस्त कर दिया गया। 1973 में निर्माण के साथ ये बिल्डिंग अपने समय की दक्षिण पूर्व एशिया की एक 1973 में निर्माण के साथ ये बिल्डिंग अपने समय की सबसे ऊंची इमारतों में से एक थी। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।